शट अप एंड सिट डाउन। चलिए आइए अब हम लोग इंग्लिश का एक नया चैप्टर करते हैं जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। वीवर्स कौन होते हैं? जो लोग कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बुनने वाले को वीवर्स कहते हैं। इनको बुनकर भी कहा जाता है। Have you noticed that people wear clothes of varied colors on different occasions? क्या आप ये चीज कभी ध्यान दिए हैं कि लोग अलग अलग ओकेशंस में, अलग अलग पर्व में, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते हैं? These variations in colors also indicate the diversity in culture and religious communities. अब ये जो बदलाव है, ये जो variations है अलग अलग रंगों का, ये बताता है कि किस तरह से सब कल्चर और religions communities जो हैं वो अलग अलग हैं। For example, Hindu brides in north wear red clothes, whereas in Kerala they wear white clothes. अब देखिए, हिंदू धर्म में जो ब्राइड्स हैं, ब्राइड कौन होती है? लड़की जिसका शादी हो रहा है नॉर्थ में, वो लाल कपड़ा पहनती है, लेकिन केरला में अपनी शादी में वह सफेद कपड़ा पहनती है। क्रिश्चियन ब्राइड्स ऑल्सो वियर व्हाइट क्लोथ्स। अब जो लोग क्रिश्चियन होते हैं वो लोग अपने शादी में सफेद कपड़ा पहनते हैं। लेट अस नाउ रीड अ पोयम बाय सरोजनी नायडू। अभी हम लोग एक पोयम पढ़ेंगे जिनकी लेखिका है सरोजनी नायडू जी। ऑब्जेक्टिव्स, आइए इस चैप्टर को पढ़ने का हम लोग उद्देश्य देखें। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये लेसन कंप्लीट करने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे, आइए हम लोग वो देखते हैं। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस इफेक्टिवली। आपका जो फीलिंग है और इमोशंस है उसको आप अच्छे से लोगों के सामने रख पाएंगे। रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू डाइवर्सिटी इन कल्चर्स। अलग अलग कल्चर में आप समझ पाएंगे कि क्या क्या उनका वैल्यूज है, वो क्या क्या प्रकार के हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक संस्कृति को समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। एंजॉय द रिदम ऑफ द पोयम। अब देखिए, हर एक पोयम का एक रिदम होता है, वो रिदम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। रिदम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ताल, ठीक है। डिस्कवर द स्पेशल यूज ऑफ लैंग्वेज इन पोएट्री। आप देखिए, पोएट्री में जो यूज ऑफ लैंग्वेज है वो किस तरह से स्पेशल होता है वो आप समझ पाएंगे। यूज कंपैरिजन फॉर इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग में कंपैरिजन आप देख पाएंगे। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट विजुअल इमेजेस। आप देखिए, विजुअल इमेजेस क्या होता है? जब हम लोग, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं एप्पल, ठीक है, तो आपके मन में एप्पल का इमेज आएगा। अगर मैं बोलता हूं बॉल, तो आपके मन में बॉल का इमेज आएगा। तो आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि विजुअली वो चीज आपके सामने नहीं है लेकिन आप उस चीज का जो चित्र है वो आप सोच पाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, चलिए। लेट अस डू 12.1। टॉक टू पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड फाइंड आउट ऑफ द कलर ऑफ द क्लोथ्स दैट आर कॉमनली वॉर्न और गिफ्टेड इन गिवन सिचुएशन। अब देखिए, यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, उसमें आपको आस पास में जो आपके लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग होते हैं, उनसे बात करना है कि वो कॉमनली, मतलब जनरली क्या तरह के, किस रंग के कपड़ा पहनते हैं और क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या गिफ्ट देते हैं, किस कलर का गिफ्ट देते हैं लोगों को। नाउ कॉमन कलर्स ऑफ द क्लोथ्स फॉर द फॉलोइंग पर्संस। अब यहाँ दिया हुआ सिचुएशन इन लोगों को, नेम ऑफ द कम्युनिटी, कौन से कम्युनिटी है, नेम ऑफ अदर कम्युनिटी, ठीक है, आपको दिया है। फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी, नया बॉर्न बेबी को क्या है, आप एनी ब्राइट कलर, आप कोई भी ब्राइट कलर दे सकते हैं गिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद आप अगर आगे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग दो कम्युनिटी लेते हैं, एक हो गया मान लीजिए भुलिया, ठीक है, और एक हो गया मान लीजिए करण। ये अलग अलग कम्युनिटी के हैं, आप कोई भी कम्युनिटी ले सकते हैं। तो भुलिया कम्युनिटी में कोई भी ब्राइट कलर का आप गिफ्ट दे सकते हैं कपड़ा, और जो करण कम्युनिटी है उसमें रेड, पिंक या व्हाइट, ये तीन कलर का आप गिफ्ट दे सकते हैं कपड़ा। वॉर्न बाय अ ब्राइड, शादी में जो दुल्हन होती है वो कौन से रंग का कपड़ा पहनती है, भुलिया में लाल रंग का, करण में एनी ब्राइट कलर नॉर व्हाइट, ठीक है, कोई भी ब्राइट कलर पहन सकती है लेकिन सफेद नहीं पहन सकती है। ऑफ फैमिली मेंबर्स व्हेन समवन इन फैमिली डाइज। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो भुलिया कम्युनिटी में आप ब्राइट कलर नहीं पहन सकते और करण कम्युनिटी में आपको सफेद कलर का कुछ पहनना है, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे जैसे भुलिया और करण का हम एग्जाम्पल लिए, आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डोंट यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग दैट ऑल ऑफ अस वी आर डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट ओकेजन। का क्या आपको ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है कि हम लोग सब अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग ओकेजन में हम लोग अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। यस इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल ऑफ अस वी आर डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट ओकेजन। हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम लोग अलग अलग ओकेजन में अलग अलग रंगों का कपड़ा पहनते हैं। सम वियर अ पर्टिकुलर कलर फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन व्हाइल सम चूज एनी ब्राइट कलर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर एक ओकेजन में एक पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी रंग का कपड़ा पहन लेते हैं लेकिन वह रंग बहुत खिलता होता है, वो ब्राइट कलर होता है। नाउ 12.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट। अब जो पोयम है हम लोग वो पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, अच्छे से उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब देखिए जो बुनकर है उससे पूछी रही है सरोजनी नायडू जी कि सुबह का समय है, आप इतना बढ़िया इतना सुंदर कपड़ा किसके लिए सिल रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं ये सुबह ये इतना सुंदर जो कपड़ा सिल रहा हूं ये ब्लू कलर का है। ठीक है, हेलिकॉन विंग, विंग क्या होता है, पर होता है। ठीक है, किसके लिए सिल रहा है, एक नया जन्मौता बच्चे के लिए। सुबह का समय है, ये जीवन होता है, उस समय जो कपड़ा सिला जा रहा है वो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए है। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन। अब फिर शाम का समय है, बोल रहा है कि अब रात हो रहा है, तो इतना चमकदार इतना ब्राइट कपड़ा आप किसके लिए बना रहे हैं। व्यूअर बोल रहा है एक मोर के पंख की तरह, पर्पल ग्रीन ये जो रंग है इनका इस्तेमाल किया गया है क्योंकि एक लड़की का शादी हो रहा है। ठीक है, और उस शादी में ब्राइट कलर लगता है। वीवर्स वीविंग सॉलेम एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चल, व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। अब रात का समय है तो पूछ रही है सरोजिनी नायडू जी कि बुनकर आप इतनी शांत होके इतने चुप हैं और ये क्या सिल रहे हैं चांद की रोशनी में, ये एक पंख की तरह सफेद है, ये बादल की तरह सफेद है। तो बुनकर बोलता है कि ये एक मरे हुए आदमी के लिए कफन बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन सिचुएशन है, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का और एक नाइट का। पहला न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, दूसरा मैरिज के लिए, तीसरा डेड बॉडी के लिए। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह का कपड़ा इस्तेमाल किया गया है, रंग, क्योंकि हर एक रंग हर एक सिचुएशन पे नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये पोयम है। अभी हम लोग और भी डिटेल में इस पोयम के बारे में लाइन से पढ़ेंगे। इनकी पोएट कौन है, पोएटेस है सरोजनी नायडू जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है।